एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट वन थी वीक इंटरेक्शंस की, हमने उसमें देखा कि वीक इंटरेक्शंस किस तरह से होती है, और वीक इंटरेक्शंस में हमने देखा था कि मेडिएटिंग पार्टिकल्स के थ्रू किस तरह से वेरियस प्रोसेसेस अकर हो रहे थे, जिसमें जो हमने रिएक्शंस लिखे थे इलेक्ट्रॉन कैप्चर के, और प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में चेंज हो जाना और न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में इन एन एटम, तो वो सारे प्रोसेसेस जो हमने देखे थे वो बीटा डिके से रेलेवेंट थे, और ये बीटा डिके की एग्जांपल्स थी वो जो हमने की जो कि अकर होती है बाय मीन्स ऑफ वीक इंटरेक्शंस। तो सबसे पहले अगर हम बहुत ही पहले चले जाएं, जब हमें नहीं पता था कि न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो एग्जिस्ट करते हैं, तो उसमें हार्डली ये डिस्कवर किया गया कि ये प्रोटोन है जो कि चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में विद द इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, ओके, और न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है प्रोटॉन में और विद द इमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड दे मैनेज टू डिस्कवर दैट द बीटा पार्टिकल इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन दैट इज़ आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द एटम, क्योंकि उस दौर में पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा रहा था, तो जो बीटा पार्टिकल है वही इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमें डायरेक्ट तो नहीं पता चल सकता, चाहे कुछ चीज़ों को देखते हुए देख सकते हो और हेंस उनको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये दोनों सिमिलर हैं। जब एलिमेंट्री पार्टिकल्स आते हैं आप उन्हें डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं देख रहे कर रहे होते, मतलब उन्हें इनडायरेक्टली उनके इफेक्ट्स के थ्रू आप फिगर आउट करते हो कि ये कौन सा पार्टिकल होगा। तो इस तरह से उस टाइम, क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंटल रिसोर्सेज या हमने इतने ज़्यादा डिस्कवरीज पार्टिकल्स की भी नहीं की हुई थी, तो सब कुछ न्यू था, तो ये डिस्कवर किया गया कि ये पार्टिकल्स जो बीटा पार्टिकल्स जो इमिट होते हैं दीज आर सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स दैट आर आल्सो फाउंड इन एटम्स। और ये टू बीटा डिकेज हैं, पॉजिटिव बीटा डिके एंड नेगेटिव बीटा डिके। पॉजिटिव बीटा डिके जिसमें पॉजिट्रॉन इमिट होता है एंड नेगेटिव बीटा डिके जिसमें इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, एंड अनदर वन इज़ पॉसिबल विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन कैप्चर इन विच द प्रोटॉन कैप्चर्स एन इलेक्ट्रॉन एंड चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन, ओके। तो ये थ्री प्रोसेसेस हैं जो कि बीटा डिके में देखे जाते हैं। ये जो हमने इक्वेशन लिखी है ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, अभी हम देखेंगे कि हैविंग दिस इनिशियल एंड फाइनल प्रोडक्ट्स एनर्जी कंजर्वेशन एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी। नाउ हम एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो जब भी कोई भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ना, वेल डिफाइंड प्रोसेसेस, ठीक है, जैसे हमने अल्फा डिके में देखे थे, तो जिसमें हम जानते हैं कि एक हैवी न्यूक्लियस है लेट्स से एक्स ए एन जी, वो इमिट करता है अल्फा पार्टिकल को, ठीक है, और एक डॉटर न्यूक्लाय बनता है जिसके ये होगा, ठीक है, और उसके साथ साथ एक अमाउंट सर्टन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ओके, ड्यूरिंग दिस डिके प्रोसेस। और ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ से आती है कि जब ये न्यूक्लाय टूटता है, ठीक है, और इसमें से हीलियम न्यूक्लियस बनता है और ये इसमें चेंज होता है, तो बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस आता है दोनों डॉटर और पेरेंट न्यूक्लाय में। वो बाइंडिंग एनर्जी जो डिफरेंस आता है इनका टोटल माइनस इसका जो एनर्जी कंटेंट का डिफरेंस आता है, वो एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होता है और ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है इन दोनों के दरमियान, ठीक है, इन दोनों के दरमियान, और इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हमेशा जब भी डिके प्रोसेसेस होते हैं तो जो डॉटर्स बनी हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेरेंट से ही नेचुरली बनी है ना, कोई और एक्सटर्नल एड नहीं आए, तो ये इसी में से बनी है, और इसमें बनने के बाद इनके जो एनर्जी कंटेंट्स हैं ना वो डिफरेंट होते हैं देन इट्स। तो जो डिफरेंस आ रहा होता है एनर्जी का वो कहाँ जाती है, वो रिलीज़ होती है एनर्जी और वो अपीयर होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज एंड दीज पार्टिकल्स, क्योंकि ये हैवी पार्टिकल्स हैं, दिस इज़ अ हैवी न्यूक्लियस, नॉट अ पार्टिकल, दिस इज़ अ हैवी न्यूक्लियस, तो ये बहुत ही कम मूव करता है एंड हेंस इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो ही होती है। ये मतलब बहुत ही कम हिस्सा क्यू वैल्यू का, जिसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं, लेता है, ठीक है, और मोस्टली जो हिस्सा लेता है 98% अप्रॉक्सीमेटली वो अल्फ़ा पार्टिकल ले लेता होता है।
तो हम देखते हैं कि जब हम ग्राफ्स बनाते हैं ना, हमेशा जो भी हमने अल्फ़ा पार्टिकल रिसीव किए हैं एक्सपेरिमेंटली, उनकी इनर्जीज़ के ग्राफ, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूरेनियम एटम ले लेती हूँ और वो लेट्स से अल्फ़ा डिके के साथ डिके करता है, के थ्रू डिके करता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स हम ले लेते हैं जो हमें मिले हैं, और यहाँ पे इनर्जी ले लेते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी क्यू वैल्यू के अगर हम अराउंड लें, ठीक है, जो क्यू वैल्यू है, लेट्स से क्यू वैल्यू इसकी 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जितने भी हमें अल्फ़ा पार्टिकल्स मिलेंगे ना, वो इसी एनर्जी के अराउंड यहाँ पे ऐसे पीक आ रही होगी, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं हो सकती, लेकिन मतलब इसी के अराउंड 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड हमें एक पीक मिलती है, विच शोज़ के ऑलमोस्ट तमाम अल्फ़ा पार्टिकल जो यूरेनियम से हमें मिल रहे हैं ना, सारे के सारे सिमिलर एनर्जी के ही इमिट होते हैं। क्यों? क्योंकि और कोई पार्टिकल है ही नहीं इन द प्रोसेस जो ये जो क्यू वैल्यू है उसके काइनेटिक एनर्जी का हिस्सा ले सके। सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल ही है जो कि इमिट होता है न्यूक्लियस से एज अ फ्री पार्टिकल, और ये न्यूक्लियस तो इतना हैवी है कि ये मूव नहीं करता, तो ये जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वही एनर्जी का ज़्यादा हिस्सा लेके जा रहे होते हैं। तो एक अल्फ़ा पार्टिकल ही एक्स्ट्रा पार्टिकल इमिट होता है फ्रॉम न्यूक्लियस, इसके अलावा कोई और पार्टिकल नहीं होता, इसलिए तमाम जो क्यू वैल्यू होती है या जो एनर्जी डिफरेंस या जो भी है वो इसी को रिसीव होता है, और हेंस जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल मिलेंगे ना, वो इसी एनर्जी, एक फिक्स्ड एनर्जी के ही मिलेंगे। और दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द प्रोसेसेस, ठीक है, कि जिनमें एक पार्टिकल इमिट हो रहा है ना, फ्री पार्टिकल, उनकी एनर्जी फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि फॉर अ गिवन रिएक्शन, अगर यूरेनियम का रिएक्शन मैं लिखूँ ना, तो यूरेनियम हमेशा अल्फ़ा डिके में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्यू वैल्यू इमिट करता है, हमेशा, अगर वो अल्फ़ा डिके का रहा है ना, हमेशा उसमें क्यू वैल्यू या फिर एनर्जी, सरप्लस एनर्जी जो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी के लिए गिवन होगी, वो यही एनर्जी होगी, ठीक है। इस फिशन के नतीजे में इसको हमेशा, ये हमेशा इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और वो अपीयर होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये फिक्स्ड एनर्जीज होती हैं। इसी तरह हम बीटा पार्टिकल्स की इमिशन के लिए भी यही होप करते हैं, या यही एक्सपेक्ट करते हैं, बेटर वर्ड इज़ एक्सपेक्ट, कि ड्यूरिंग द बीटा डिके में जब न्यूक्लियस चेंज हो जाता है डॉटर न्यूक्लियस में, दीज आर न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट्स, ये पेरेंट न्यूक्लियस यहाँ पे होता है और ये डॉटर न्यूक्लियस में चेंज हो गया, और वो एक बीटा पार्टिकल, अगर एक बीटा, एक एक्स्ट्रा या फ्री पार्टिकल को इमिट कर रहा है, तो इस प्रोसेस की एक फिक्स्ड क्यू वैल्यू होगी, ठीक है, जो कि अगर यहाँ पे मैं एक सीजियम एटम ले रही हूँ 137, अगर वो चेंज हो रहा है बेरियम 137.56 प्लस इलेक्ट्रॉन को अगर वो इमिट कर रहा है, तो वी एक्सपेक्ट के फॉर सच अ यूनिक प्रोसेस देर इज़ अ फिक्स्ड बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंस बिटवीन इस प्रोसेस में भी, क्योंकि एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है ना, जब भी बीटा डिके होगा एक ही अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स तो दोनों साइड्स पे एक जैसे ही हैं। जब भी बीटा डिके होगा तो सिमिलर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होंगे, एंड हेंस जो एनर्जी डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स में, दैट शुड बी कॉन्स्टेंट, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज क्यू वैल्यू, जो कि एनर्जी रिलीज होती है। जैसे फिशन रिएक्शंस होते हैं ना, यूरेनियम का लेट्स से उसका न्यूक्लियस ब्रेक होता है तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिट होती है, तो इसी तरह इसमें भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे हम क्यू वैल्यू कहते हैं, और वो एनर्जी अपीयर होती है एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, है ना, ठीक है। बेरियम क्योंकि ये हैवी न्यूक्लियस है, इस पे जो क्यू वैल्यू का हिस्सा ऑलमोस्ट ज़ीरो ही जाएगा, तो सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लेनी चाहिए, और वो हमेशा क्यू वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए उसकी एनर्जी, ठीक है, वी एक्सपेक्ट दैट, जैसे हमने अल्फ़ा पार्टिकल में किया। लेकिन जब हमें एक्सपेरिमेंटली ग्राफ ऑब्टेन हुआ, हमने एक सैम्पल को स्टडी किया, उसमें से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी किया कि किस किस एनर्जी के हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें किस एनर्जी पे मिल रहे हैं, ठीक है। बीटा जो डिके है वो अल्फ़ा डिके से कम एनर्जेटिक होता है, मींस कम एनर्जी को इमिट करता है, ज़्यादातर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड, 1.16 एंड इसी तरह 0.5 0.7, इस तरह से ये फ्लक्चुएट वैल्यू करती रहती है इसके अराउंड ही। तो अगर हम एवरेज वैल्यू एक ले लें कि नॉर्मली इतनी होती है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह का पीक, ठीक है, कि एक ही पार्टिकल है जो कि एनर्जी को लेने वाला है, तो अगर आपके पास एक ही वो है
जो रिसीव कर सकता है तो वो सारी की सारी ही रिसीव करेगा, और क्योंकि सारी की सारी जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, एक फिक्स वैल्यू है। फॉर एग्जांपल ये वाला जो प्रोसेस है ना, इसमें लेट्स से क्यू वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होगी, वो होगी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेट्स से, ठीक है। तो वी एक्सपेक्ट कि ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में अपीयर होनी चाहिए, ठीक है, और हमें एक ही पीक मिलनी चाहिए इसी तरह की विद स्मॉल बिट्स, क्योंकि स्मॉल फ्लक्चुएशन हो जाती है तो वो भी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड, लेकिन ऐसा नहीं होता, हमें इस तरह का कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है जिसमें जो हमने एनर्जी एक्सपेक्ट की थी ना कि क्यू वैल्यू, ठीक है, एक्सपेक्ट की थी कि इलेक्ट्रॉन के पास होनी चाहिए, इस एनर्जी के बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स हमें मिले, लेट्स से 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बीटा पार्टिकल इस एनर्जी मैक्स हायर एनर्जी में मिले, जबकि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो लो एनर्जी की साइड पे आ रहे थे। ओके, तो यहाँ से हमें हिंट मिलता है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा लेस एनर्जी में पाया गया, तो देर मस्ट बी सम अदर मोर लाइटर पार्टिकल देन इलेक्ट्रॉन जो कि ज़्यादा एनर्जी को ले जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा ना कि काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में वो लेके जाता होता है ना 1/2 mv², ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि ये जो हैवियर न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, इनकी स्पीड बहुत ही कम चेंज होती है, जितना हैवी न्यूक्लियस होगा उतना ही वो लेस काइनेटिक एनर्जी को रिसीव करता है, क्योंकि उनकी स्पीड्स बहुत कम होती हैं। यहाँ पे स्पीड का स्क्वायर है ना, मास बेशक उनका हैवी है लेकिन स्पीड का स्क्वायर है, तो स्पीड क्योंकि बहुत कम होती है तो अप्रॉक्सीमेटली 0। लेकिन अगर वो पार्टिकल बहुत लाइट है ना तो वो काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा हिस्सा वो लेके जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें ज़्यादातर लेस एनर्जी के मिल रहे हैं ना, तो इट मीन्स कि एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन से भी हल्का है और जो मोस्ट ऑफ द एनर्जी ऑफ क्यू वैल्यू इन बीटा डिके को ले जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से भी हमें हिंट मिला, क्योंकि अगर हम देखें तो ये हम देख सकते हैं कि ये पीक जो है ये बिल्कुल क्लोज टू वो एनर्जी है जिसमें एनर्जी मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 हो और उसमें मैक्सिमम पार्टिकल्स हैं। तो ये अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं जाती तो ये एनर्जी किसके पास जाती है, इसके पास भी ये एनर्जी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हम देखते हैं कि वो मूव ही नहीं कर पाता, और इलेक्ट्रॉन के पास अगर एनर्जी नहीं है तो वो एनर्जी कहाँ पे जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम आया कि तमाम जो भी डिके प्रोसेसेस होते हैं उनमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है, और वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है पार्टिकल्स में जो कि प्रोडक्ट्स में आ रहे होते हैं। तो न्यूक्लियस क्योंकि वो बहुत ही हैवी पार्टिकल्स होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का जो वो हिस्सा वो लेते हैं वो ऑलमोस्ट 0 ही होता है, तो हम वो निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उस क्यू वैल्यू का ज़्यादा हिस्सा ले जाते हैं, और अगर एक पार्टिकल इमिट हुआ है, एक फ्री पार्टिकल इमिट हुआ है, तो वो तमाम के तमाम क्यू वैल्यू को 98% के करीब तरीन, मतलब नॉट लेस देन दैट, ज़्यादातर एनर्जी जो क्यू वैल्यू के अराउंड ही होगी उसको वो ही पार्टिकल, वो सिंगल पार्टिकल रिसीव करेगा अगर वो सिंगल पार्टिकल इमिट हुआ है तो, जो कि अल्फ़ा डिके में हमने देखा भी। लेकिन बीटा डिके को जब हमने स्टडी किया और इलेक्ट्रॉन जो हमें रिसीव हुए उनका हमने ये ग्राफ बनाया जिसमें हमें जो ज़्यादा पार्टिकल्स वो मिले जिनकी एनर्जी क्यू वैल्यू से बहुत कम थी, और इवन वैसे भी पार्टिकल्स रिसीव हुए जिनमें क्यू वैल्यू, जिनमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थी वो एग्जैक्टली 0 हो गई थी। तो वो बाकी एनर्जी जो है जो रिलीज़ होती है ड्यूरिंग द बीटा डिके वो कहाँ जाती है, वो कौन ले जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी एनर्जी कंजर्वेशन की, विच वॉज ड्यूली सॉल्वड बाय इंट्रोड्यूसिंग अ पार्टिकल जो कि चार्जलेस होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ये सारे इनमें चार्ज कंजर्वेशन होल्ड कर रही थी, और वो नियरली मैसलेस होगा, मतलब बहुत उसका कम मैस होगा, इवन लेस देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो मैसलेस नहीं होते न्यूट्रिनोज, लेकिन उनका नेग्लिजिबल मैस होता है, बहुत ही कम मैस होता है उनका, एग्जैक्टली 0 नहीं होता लेकिन नेग्लिजिबल होता है। तो मोस्टली उनको उसके मैथ को मेंशन नहीं किया जाता होता और उसको अप्रॉक्सीमेटली कुछ अप्रॉक्सीमेशन में 0 ही ले लिया जाता होता है मैथ ऑफ न्यूट्रिनो को। तो ये जब इंट्रोड्यूस कराया गया इन अदर पार्टिकल, तो फिर जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है क्यू वैल्यू वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनोज, और क्योंकि दे आर द मेनी कॉम्बिनेशंस
जो इनका बन सकते हैं, ठीक है, अगर एक डिके प्रोसेस हो रहा है तो देर आर द मैनी कॉम्बिनेशन जिसमें लेट्स से एक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी ले गया, एक में न्यूट्रिनो ज़्यादा ले गया, तो इसलिए एक कंटिन्यूस हमें ग्राफ मिलता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि हर पॉसिबल शेयरिंग हो सकती है क्यू वैल्यू की बिटवीन दीज टू, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ और एक न्यूट्रिनो इमिट हुआ, एक डिके हुआ एट अ टाइम, उसमें लेट्स से इलेक्ट्रॉन ने कम एनर्जी ली, न्यूट्रिनो ने ज़्यादा ले ली, कुछ डिकेज हुए जिसमें इलेक्ट्रॉन ने ज़्यादा एनर्जी ले ली, न्यूट्रिनो के पास कम गई, एंड इसी तरह करते करते बहुत सारे डिकेज हुए, तो हमें ये हर तरह की कम्बिनेशन मिलता है, हर पॉसिबल कम्बिनेशन मिल जाता है। तो इस तरह से एनर्जी कंजर्वेशन का प्रॉब्लम सॉल्व होता है अगर अनदर पार्टिकल जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं और जो प्रॉब्लम आई थी उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे सीजियम का डिके देखेंगे, ठीक है, और सीजियम 137 इसका मास नंबर होता है और इसका एटॉमिक नंबर 55 होता है, ठीक है, इट डिकेज बाय नेगेटिव बीटा डिके, और नेगेटिव बीटा डिके अगर यहाँ पे पहले लिखें तो उसमें न्यूट्रॉन चेंज होता है प्रोटॉन में, ये पेरेंट न्यूक्लियाई में जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन में चेंज होता है और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, तो इट मींस कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसका न्यूक्लियस चेंज होगा और उसका प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो जाएगा, और जब ये 56 हो जाएगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन नंबर चेंज हो गया मींस न्यूक्लियस ही चेंज हो गया, वो न्यू एलिमेंट बन चुका है, तो प्रोटॉन नंबर्स इज समथिंग दैट डिसाइड्स कि कौन सा न्यूक्लियस है या कौन सा एलिमेंट है ये, तो ये बेरियम बन चुका है और ये 137 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें ना तो यहाँ पे ये 55 प्रोटॉन नंबर है, ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर 137 माइनस 55 करें तो वो आपके पास 82 आता है, तो डिके में क्या हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हुआ, तो एक न्यूट्रॉन घट गया और जबकि एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, सच दैट आप इनका सम निकालें ना, 6+1=7, 8+5=13, तो ये 137 ही बनता है, क्योंकि ये इन्होंने अंदर अंदर ही सारा किया है, आपस में ही एक्सचेंज कर ली ट्रॉफीज, तो इसलिए ओवरऑल सम ऑफ ट्रॉफीज जो है सेम ही रहता है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। अब हम इनके एंगुलर मोमेंटम दोनों साइड्स पे देखते हैं, और एंगुलर मोमेंटम की कंजर्वेशन ये कहती है कि यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है और यहाँ पे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट शुड बी इक्वल, और इस इक्वेशन को हम लिखते होते हैं कि इसका जे जो है, ठीक है, क्योंकि ये एक टोटल एटम है तो उसका हम टोटल एंगुलर मोमेंटम जे की फॉर्म में बात करते हैं और उसकी सबस्क्रिप्ट में सीजियम लिख देते हैं, और दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बेरियम, ठीक है, वो भी जे फॉर्म में लिखेंगे, जे फॉर्म में है मतलब स्पिन प्लस ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, और इसमें प्लस आ जाएगा इलेक्ट्रॉन है अगर, तो इलेक्ट्रॉन एक फ्री पार्टिकल है और इसका एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम विच इज़ ऑलवेज हाफ, लेकिन यहाँ पे हम शो कर देते हैं एस, सच दैट के यहाँ पे जो एल वैल्यूज़ अलाउड होती हैं बीटा डिकेज में, एल वैल्यूज़ वो हमेशा 0, 1, 2, 3 या अपमोस्ट 4 तक जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ तक होती हैं, तो यहाँ से अगर इस प्रोसेस के लिए हम L वैल्यूज़ फाइंड आउट करें ना, दैट शुड बी 0, 1, 2, 3, और इस चीज़ का आइडिया, एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं जो इनर्जीज मिलती हैं इलेक्ट्रॉन्स की उनसे, तो इनर्जीज इतनी कम होती हैं कि उनका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज़ मोस्टली 0, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये अलाउड वैल्यूज़ होती हैं L की, L इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिससे मूव कर रहा होगा, लेट्स से कि हमें पता है एनर्जी जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर इलेक्ट्रॉन का मास हम कहें कि बहुत कम है, एक तो ई स्क्वेयर इक्वल टू होता है ना पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर सी फोर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो 1 MeV तक जा सकती है अगर वो ले, मीन्स बीटा पार्टिकल को इतनी क्यू वैल्यू के थ्रू अलाउड होती है, लेकिन वो लेता नहीं है, ये अलग बात है, और इसकी ये जो रेस्ट मास एनर्जी होती है 0.511 होती है, इसके स्क्वेयर लेंगे तो वो और कम, ठीक है, तो ये मतलब थोड़ी सी हमने निगलेक्ट ही कर दी, तो ई को अगर अप्रोक्सीमेटली पी सी के इक्वल करें और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज़ इक्वल्स टू आर टाइम्स पी, मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम अगर निकालें तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी एल ओवर आर, तो ई इज़ अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एल ओवर आर टाइम्स सी, एल की वैल्यू निकालें तो वो इक्वल हो जाएगी ई आर बाय सी, ओके, आर की वैल्यू अगर आप देखें ना तो आर ज़्यादातर क्या हो सकता है न्यूक्लियस का रेडियस, तो जिस पे वो मतलब इमिट होता है,
इलेक्ट्रॉन, तो वो 10^-15 होगा। और डिवीजन में क्या है सी, विच इज़ 3×10^8। तो 10^-15 डिवाइड बाय 3×10^+8 करें, ये पावर ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे प्लस हो रही है वहाँ पे माइनस हो जाएगी, और ये इवन फर्दर डिक्रीज हो जाएगी बाय -23 हो जाएगी, और ये 3 भी डिवाइड करेंगे तो एक और पावर डिक्रीज हो जाएगी। 10^-24 मल्टीप्लाई द इनर्जी ई, और ये इनर्जी ई अगर आप जूल्स में देखें तो ये अगर इसे 1 MeV को आप कन्वर्ट करें ना जाउल में, तो इस इनर्जी को अगर हम जाउल्स में कन्वर्ट करें तो ये बहुत कम इनर्जी नेगेटिव पावर्स में बनती है। तो वो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस ई को बाय आर बाय सी, आर बाय सी हमने ये फाइंड आउट किया है तो 10^-24 से, तो जो एल की वैल्यू आती है वो 10^-37 तक आती है, ठीक है, विच इज़ नेग्लिजिबल। तो एल अप्रॉक्सीमेटली 0, ये मोस्ट प्रोबेबल एल वैल्यू है जो कि अलाउड होती है। तो इसी तरह और भी चीज़ों को, ये एक रफ एस्टिमेट हमने किया था, ये सिलेक्शन रूल्स प्रॉपरली किए जाते हैं बहुत सारी चीज़ों को हाथ में लेते हुए, तो ये 0, 1, 2, 3 तक हो सकते हैं। तो खैर, इसमें फिर जो एल वैल्यूज़ हमें मिलनी चाहिए ना, वो ये मिलनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये वैल्यू देखते हैं, क्या है ये वैल्यू देखते हैं, और ये तो हमें पता ही है, ठीक है। तो ये एक साइड पे लेते हैं, इन दोनों का वेक्टर सम लेते हैं, ठीक है, इनका वेक्टर सम इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें ये एल वैल्यूज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मली डेल्टा जे की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, तो वो भी नोटेशन ठीक है, लेकिन दैट इज़ डेल्टा जे इज़ एक्चुअली एल की वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर रहे होते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले तो ये प्रॉब्लम ही आएगी, मतलब ऑब्वियसली क्योंकि हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी हम ये करते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं कैसे आती है, और फिर हम न्यूट्रिनो को कंसिडर करते हुए इस चीज़ को दोबारा करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मैं इतनी सारी डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ, आप सिर्फ ये भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये जो जे वैल्यू ऑफ सीजियम है ना, ठीक है, इसे फाइंड आउट किया जाता है यूजिंग शेल मॉडल, ठीक है। शेल मॉडल की प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस कोर्स में किए थे, जिसमें अगर एक न्यूक्लियस हमें गिवन है, जैसे सीजियम न्यूक्लियस गिवन है, तो उसकी हम जे वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड पे शो कर दूँगी वो चार्ट, ठीक है, जिसको मैंने फॉलो किया आर्थर बाइज़र की बुक में, शेल मॉडल में वो एनर्जी लेवल डायग्राम बनी हुई है, और यहाँ भी हम देख सकते हैं जो ऑड न्यूक्लियन होता है वही कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोटॉन नंबर 55 हैं, जबकि अगर आप न्यूट्रॉन नंबर इसमें से देखें ना तो वो बनता है, तो न्यूट्रॉन नंबर आप अगर इसका देखें तो वो बनता है 82, विच इज़ अ इवन नंबर, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बल्कि प्रोटॉन नंबर से कंट्रीब्यूट करेगा। तो 55 तक अगर आप वो एनर्जी शेल्स को अगर फिल अप करें तो 50 तक एक मैजिक नंबर बनता है जिसके ऊपर आता है G7/2 प्रोबेबली, ठीक है, G7/2 आता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और 50 तक ये, और 55 तक 5 इसमें जाते हैं, और हेंस जो आउटरमोस्ट जो शेल है जिसमें आउटरमोस्ट न्यूक्लियन्स जाते हैं, तो वो ये वाला है। ये हम देख सकते हैं इसमें ये स्टार से नीचे से जो नंबर्स लिखे हुए हैं 2, 6, 12, 22, और इनके सब आगे डिवीजन हुई है इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, तो स्प्लिटिंग हुई है। तो ये जैसे 2, 4, 2, 6, 2, 4, 8, 4, 6, 2, 10 इस तरह से हम न्यूक्लियॉन्स को फिल करते जाते हैं। अगर 55 है ना तो ये 50 तक जहाँ जा रहा है ना, जहाँ पे ये बिल्कुल साइड पे 50 लिखा हुआ है, जो कि राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे है 50 जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ तक 50 तक कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैंने बिग विंडो में यहाँ पे दिखाया हुआ है जब 50 हो चुके हैं। 50 के बाद ये 8 ऊपर शो हो रहा है नंबर, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो 55 हमने फिल करने, तो 5 इसमें चले जाएंगे, और करस्पॉन्डिंगली जो हमारे पास स्टेट बन रही है वो G7/2 बन रही है, जिसमें 7/2 जो है वो जे वैल्यू है, ऑर्बिटल टोटल एंगुलर मोमेंटम वैल्यू है। इसी तरह जो नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट वाले में 81 तक फिल अप करने होंगे, वो न्यूट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए आप देख सकते हैं 82 जहाँ पे फिल हुआ है उससे जो लोअर मोस्ट लास्ट मोस्ट जो बनेगा उसमें 81 न्यूक्लियॉन जाएगा।
तो उसके करस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्बिटल है, और उसी की करस्पॉन्डिंग जो टर्म सिंबल में टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो जे की वैल्यू है, ये जो वैल्यू होती है जे की वैल्यू होती है वो 7/2 है, तो यहाँ पे इसकी जो जे की वैल्यू होगी वो 7/2 एच कट होगी, ठीक है। तो ये साथ में मैं एनर्जी लेवल डायग्राम भी शो कर दूंगी, उसमें आप बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे प्रॉब्लम्स आएँ तो आप मतलब कर सकते हैं अगर आ जाती हैं। और दूसरी साइड पर है जे वैल्यू ऑफ बेरियम, बेरियम में है प्रोटॉन नंबर 56 लेकिन न्यूट्रॉन नंबर उसमें है 81। ये वाला कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि ये इवन है, ये 81 न्यूक्लियन जो कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स द टोटल एंगुलर मोमेंटम, दैट विल बी न्यूट्रॉन और इट इज़ 81। तो 81 तक फिलअप करेंगे, और जब 81 तक आप फिलअप करेंगे तो आपके पास डी आएगा नहीं, वो आएगा एच 11/2 पे आएगा 81th न्यूक्लियन। तो जिस लास्ट ये ऑर्बिटल में जाता है ना, उसी की ये जो टर्म सिंबल में ये जो साथ में वैल्यू लिखी होती है ये जे की वैल्यू होती है। तो आप वहाँ से मैं अभी शो कर दूँगी, यहाँ पे इसका जो जे की वैल्यू हो जाएगी वो बेरियम की, दैट विल बी 11/2 एच कट, ठीक है। एल की वैल्यू तो एज इट इज़ ही रहने देंगे, और उसके अलावा स्पिन की वैल्यू क्या होती है, ±1/2 एज कट में अगर यूनिट्स में करें। तो हम ये इसके दोनों सम्स निकालते हैं, टू पॉसिबल वैल्यूज़, क्योंकि ये वैल्यूज दीज आर द इनिशियल, ठीक है, ये एक बॉक्स में थे, अब दूसरा बॉक्स है ये, तो इनके हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं क्योंकि ये दोनों बेचारे एक साथ हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स में। तो ये प्रोडक्ट्स के हम पॉसिबल ये दो फाइंड आउट करते हैं क्या बनते हैं। तो ये ±1/2 एज कट, एल तो एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है, एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो एल बाई टू एज कट +1/2 करेंगे तो क्या आएगा, और एक आएगा L/2 -1/2। तो ये 11+1 12 बनता है, 6 आती है वैल्यू उसमें, और ये 11-1 तो 10 इज़ 5, तो 6 और 5 वैल्यू आई हैं इस साइड पे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7/2 एज कट, और ये 6 या फिर 5 एज कट में प्लस L आया है। तो डेल्टा J लिखते हैं या फिर L की वैल्यू लिख लें क्या आ जाएगी, ये दो सब्ट्रैक्ट करेंगे बारी बारी, दो L की वैल्यूज़ यहाँ पे पॉसिबल हमें मिलेंगी। तो 7/2 एज कट माइनस करेंगे 6 एज कट से, और दूसरी L की वैल्यू क्या आ जाएगी जिसमें हम 7/2 एज कट से माइनस करेंगे 5 एज कट, ठीक है। एज कट ना भी यूज़ करें, इट्स ओके, अगर आप क्वांटम नंबर सिर्फ यूज़ कर रहे हैं दैट्स ओके टू, ओके। तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपके पास एक फ्रैक्शन आएगी, जबकि जो अलाउड वैल्यूज़ थी वो 0, 1, 2, 3 थी, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपसे पास आती हैं, 2 × 6 इज़ 12, 12 - 7 इज़ 5, पॉजिटिव वैल्यू हम हमेशा लेते हैं, 5/2 एज कट बनती है ये। तो यहाँ पे भी ये 3/2 एज कट बनती है, ठीक है। विच आर नॉट अलाउड वैल्यूज़, विच आर नॉट सेटिस्फाइंग द सिलेक्शन रूल्स, ये परमिसिबल वैल्यूज़ नहीं हैं एल की। तो अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करें, तो अभी हम कंसिडर करते हैं एक फर्मियन को जिसकी स्पिन भी हाफ है, तो फिर देखते हैं कि क्या होता है कि सिलेक्शन रूल्स सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। इस प्रोसेस में हम एक इंक्लूड कर देते हैं न्यूट्रिनो को, ठीक है। यहाँ पर जे हो जाएगा सीजियम का, जे हो जाएगा बेरियम का, प्लस टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो का स्पिन प्लस इलेक्ट्रॉन का स्पिन, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं, इसमें एल वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगा, इनका सम निकालेंगे, सम तमाम पॉसिबल वैल्यूज़, उनको बारी बारी सब्ट्रैक्ट करेंगे जे से, और देखेंगे एल वैल्यूज़ क्या आती हैं। तो वो सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग आती है, ये आती हैं या नहीं हम देखेंगे। ये 7/2 एज कट इसकी थी, इसकी 11/2 एज कट थी, और ये ±1/2 एज कट, और ये भी ±1/2 एज कट, पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनके फाइंड आउट करते हैं। एक हो जाएगा जिसमें 11/2 एज कट है, -1/2 एज कट, +1/2 एज कट, जब ये दोनों एंटी पैरेलल हैं, और ये हो सकता है कि जब ये दोनों नेगेटिव हो जाएं, या फिर जब ये दोनों पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है।
ठीक है। तो इनको भी अगर ऐसे करेंगे ना तो रिजल्ट सेम ही आएंगे, क्योंकि हमने मॉड लेना होता है ना, तो वो बस नेगेटिव पॉजिटिव का ही फर्क आता है। तो ये दो कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे एक पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस सम इज़ 11/2 एच कट। इसके अलावा क्या आ गया, ये करेंगे तो 11-1-1 इज़ 9/2 एच कट, और ये आ जाता है 13/2 एच कट। ये आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये थ्री पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं। अब ये तीनों पॉसिबल वैल्यूज़ ये इस साइड पे है ना, ये सारी सब्ट्रैक्ट करेंगे जे से, तो हमें एल वैल्यू मिल जाएगी। तो एल वैल्यू विल बी इक्वल्स टू जे की वैल्यू विच इज़ 7/2 एज कट, उसे माइनस करें इन तीनों से बारी बारी, तो तीन एल की वैल्यूज़ हमें मिलेंगी। तो L1, L2 और L3 का नेम कर देते हैं। तो 7/2 एज कट से माइनस करें 11/2 एज कट, और एक 7/2 एज कट से माइनस करें 9/2 एज कट, और 7/2 एज कट से माइनस करें 13/2 एज कट, ठीक है। तो ये थ्री पॉसिबल एल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे माइनस करें तो 7-11 आता है 4/2 एज कट। ये 2 2s है, तो ये 2 आ गया एज कट यूनिट्स में, लेकिन 2 हम ले लेते हैं एज कट ही कर दें। तो यहाँ पे ये, और ये मॉड लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेते होते। यहाँ पे 7-9 आएगा विच विल बी 2/2 एज कट विच इज़ 1 एज कट, और यहाँ पे ये करेंगे तो 13-7, 3-3, 6 एज कट बाय 2 बनता है, ये 3 एज कट आ गया। जबकि अलाउड वैल्यूज़ थी 0, 1, 2, 3 and 1, 2, 3, दीज थ्री आर द वैल्यूज़ दैट वी गॉट हियर, एंड दिस इज़ वट वॉज डिज़ायर्ड। यही सिलेक्शन रूल्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ थी, दैट इज़ हाउ जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है वो सेटिस्फाई कर गई है प्रॉब्लम। क्योंकि अब अगर ये एल की वैल्यूज़ हम लेंगे इधर एल की, क्योंकि एल की वैल्यूज़ यही परमिसिबल थी, ये लें और ये एक स्पिन हाफ पार्टिकल ले लें हम, और यहाँ की टोटल एंगुलर मोमेंटम आप फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ ये दोनों फिर सेटिस्फाई करेंगे, इक्वल आएंगे सूटेबल सेट्स लेने पे। तो ये हमने क्योंकि कंजर्वेशन ही यूज़ किया ना, कि ये वाला एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू ये वाला एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन के नतीजे पे ही हमने एल की वैल्यू निकाली है, तो वो परमिसिबल एल वैल्यूज़ ही आई हैं। तो हेंस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड इफ़ वी कंसीडर अ न्यूट्रिनो, ओके। और इसके बाद न्यूट्रिनो तो कंसीडर कर लिया, वो एंटी होगा या क्या होगा, तो एक तो फर्मियोन होगा वो, ये तो हमने यहाँ से शो कर दिया, ठीक है। और ऑलमोस्ट मैसलेस होगा, ये भी हमने शो कर दिया। फिर ये बैरियन नंबर और लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि ये यहाँ पे जो यूज़ होगा, ये अगर क्योंकि पॉजिट्रॉन है एंटी लेप्टॉन एंटी पैटर है, तो इसका लेप्टॉन नंबर -1, इसका +1 होना चाहिए, तो ये फिर मैटर होना चाहिए, मतलब पार्टिकल सिंपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये लेप्टॉन नंबर इसका इलेक्ट्रॉन है जो कि मैटर है, पार्टिकल है सिंपल, तो इसका लेप्टॉन नंबर 1 और इसका -1 होना चाहिए, तो ये फिर एंटी न्यूट्रिनो होना चाहिए। तो मतलब फर्दर ऑन कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर्स के थ्रू हमने इस चीज़ को और रिफाइन किया कि ये पार्टिकल कैसे होने चाहिए, ठीक है। चार्ज लेस होने चाहिए क्योंकि चार्ज पहले से ही कंजर्व है। मैसलेस ऑलमोस्ट होने चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी यही कैरी करते हैं, ठीक है। और फर्मियोन होने चाहिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए, और दे शुड बी सच दैट द कंजर्वेशन ऑफ लेप्टॉन नंबर इज सेटिस्फाइड। तो वो फिर हर प्रोसेस के लिए, पॉजिटिव बीटा डिके के लिए दे शुड बी न्यूट्रिनो, नेगेटिव बीटा डिके में एंटी न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूट्रिनो, वो भी इसी बेस पे। तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टीज़ फाइंड आउट कर ली न्यूट्रिनो की, और नीड भी देख ली कि क्यों नीड थी न्यूट्रिनो की।